आपकी ताकत तो कमाल की है। ऐसा क्यों बोला? हाँ? कब से साइकिल चला रहे हो, क्या आप थके नहीं? मैं ऐसे ही हूँ, परेश और चिराग होते तो पता चलता तुझे। तेरे ऊपर से अलग ही खुशबू आती है। कैसी खुशबू? अरे आपकी कसम। सुनो। हाँ? मेरा वजन ज्यादा है क्या? नहीं, तू बड़ा लड़का है बोल के लड़कों जैसे वजन ही नहीं है तेरा। आपको ऐसे बिठा के चलाने की आदत है शायद। क्यों? आप साइकिल नहीं चला रहे हो, मुझे चला रहे हो। आप पीछे बैठो। चाहिए तो मैं साइकिल चलाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुझे ऐसे आगे बिठा के साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। तुम्हें भी मजा आ रहा है ना? हाँ? तुम चलो आगे, मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ लेने जा रहा हूँ तुम्हारे। क्या लेने जा रहे हो? वो सरप्राइज है। तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फूल ले लो फूल। ए, गजरे वाले। राम राम भाई, और धंधा कैसा चल रहा है? ऐसे चल रहा सर, अभी धंधे का सीजन नहीं है सर। अच्छा, आप अचानक से यहाँ? कुछ टाइम पहले मेरे घर में एक लड़का काम करता था, तुम्हें याद है क्या? एक गोरा सा लड़का। वो मेरे घर से अचानक भाग गया है, और कहाँ गया पता नहीं। वो सर, वो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया है, और मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। कल सुबह कितने बजे उठाऊं? कल सुबह खटखटाऊंगा तभी खोलना। हाँ। ये कपड़े तुम पे बहुत जच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े लेके दूंगा मैं तुम्हें, किसी को बोलना मत। मैं एक सच्ची बात बोलूं, तुम एक खूबसूरत लड़की हो। ओह, क्या हंसी है तुम्हारी। खूबसूरती पे दाग नहीं हुआ करते कभी, लेकिन मेरी इस खूबसूरत चीज को नजर ना लगे।
अभी मुझसे कुछ बोलो भी, क्यों रामा के भेष में लड़का बनकर यहां रह रही हो? हाँ अरे रो क्यों रही हो? मैंने पूछा इसलिए। आगे पूछा तो मैं यहां से चले जाऊंगी। अरे जाना मत, मैं उस बारे में कभी नहीं पूछूंगा तुमसे। मैं क्या नाम से बुलाऊं तुम्हें? रामा बुलाना अब मुझसे नहीं होगा। मैं एक नाम दूं क्या? खरगोश। अच्छा है ना? गजरा पसंद आया? मैं बालों में लगा दूं? अरे ये कैसे, कहां रखूं मैं? अच्छा मजाक कर लेती हो। मैंने गले लगाया अच्छा नहीं लगा आपको? मुझे पसंद करती हो? मैंने छुआ वो पसंद आया क्या? और क्या पसंद है? हम बातें करते हैं सुबह तक। तो फिर शुरू करते हैं हम, बहुत कम वक्त बचा है। मैंने खरीदा हुआ कपड़ा पहन के वो जब आई थी, श्रीनी तुझे उसे देखना चाहिए था, कितनी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा तो तू उसे प्यार करने लगा है? शायद मैं उस लड़की को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मम्मी पापा को तो मैं समझा लूंगा। यार ये तू क्या बके जा रहा है, पता नहीं कहाँ से आई है वो भी लड़का बनकर, ना आता ना पता। भाई क्या पता वो तेरे जैसे कितनों को कबूतर बना के उड़ा चुकी हो, अब तेरी बारी है, उसे शादी करेगा तू? मेरी बात मान और उसे मजे करके छोड़ दे। रहमान सर, ये गाड़ी इतनी आवाज क्यों कर रही है? वो क्या है ना सर, कि एक कुत्ता भौंके तो बाकी के सारे कुत्ते सुर लगाने लगते हैं सर। उसके लिए हमने कौन से कुत्ते को मारा है? अपने अंदर एक कुत्ते को पकड़ के रखा है ना, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। जगन्नाथ वर्मा का खास है उल्हानन। हाँ। आपको साथ लेकर चलने के लिए गाड़ी भेजी है। उसके लिए हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत, वो यहाँ आ सकता है ना? बड़े बड़े लोग है ना सर जी, अपने जैसे लोगों को ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए गाड़ी खरीद के रखी है। सर आपका वहाँ जाना ही सही रहेगा। आप ही बोलते हो ना, पूछने का सही समय पर सही तरीके से सही जगह पे पूछना चाहिए। और पूछा तो मिलेगा ही ना।